झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की मौत का पहला मामला बोकारो से आया है। मृतक बोकारो जिले के गोमिया का रहने वाला है। बुधवार देर रात ही उसके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। बुधवार गुरुवार की मध्य रात करीब 1:30 बजे उसकी मृत्यु बोकारो जनरल अस्पताल में हो गई। इसके बाद बोकारो में हड़कंप मच गया है। बोकारो जिले के गोमिया के रहने वाले मरीज को सांस लेने में तकलीफ के बाद बोकारो जनरल अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था। 4 अप्रैल को गोमिया निवासी को BGH में भर्ती कराया गया था। उसके लक्षण को देखकर कोरोना पॉजिटिव होने का संदेह था। सैंपल लेकर जांच के लिए रांची भेजा गया था। बुधवार की रात जांच रिपोर्ट आई। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में हड़कंप मच गया। इलाज के दौरान उसके संपर्क में आने वाले चिकित्सक और कर्मचारी सहम गए। दूसरी तरफ पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से इलाज शुरू होने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। उसे बचाया नहीं जा सका। बोकारो के सिविल सर्जन अशोक कुमार पाठक ने कोरोना से मौत की पुष्टि की है। बोकारो जिले में कुल 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इनमें से मृतक भी एक था। तो उनकी सारम वाले मरीज जो बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो गई रात में, और बाकी तीनों जो है उनको भर्ती करा दिया गया है, और चार मरीज अभी एक ही परिवार के वहाँ BGH में इनका इलाज किया जा रहा है। CCL के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप मिशन इंजीनियरिंग 2022 कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च CCL द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की थी। सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।